आनंद का सागर उमड़ रहा है। पूज्य सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, इस दृश्य को अपने हृदय में उतारिए कि गोकुल के चारों तरफ चांदी के ढेर पड़े हुए हैं और बीच बीच में सोने की ढेरियां पड़ी हुई हैं और ब्राह्मणों के सिरों पर हीरे और जवाहरात चमकते हुए पुटली पोटलियों में जा रहे हैं। सोने और चांदी के ढेर गोकुल के चारों ओर पड़े हुए हैं और ब्राह्मणों के सिरों पर हीरे और जवाहरात की चमक चमचमायमान हो रही है। इस दृश्य को हृदय में उतारो। उस समय तो ऐसा मालूम पड़ता था मानो अपने प्राण वल्लभ के जन्म के उपलक्ष में श्री लक्ष्मी देवी गोकुल में अथवा तो ब्रज में लोटपोट हो रही हो। आनंद के साथ खुशियां मनाई जा रही हैं, बधाई गाई जा रही हैं। जसोदा मैया चिर जीवे तेरो छोना, 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 जसोदा मैया चिर जीवे बाबा वैश्य जाति से हैं। पूरे पूर्ण प्रकटो श्याम सलोना, जसोदा मैया चिर जीवे तेरो छोना, जसोदा मैया चिर जीवे तेरो छोना। ओ श्याम रस पर चोरी,
आनंद आ रहा है। आनंद क्यों ना आए, साक्षात आनंद ही जो प्रकट हुए हैं, नंद के आनंद भयो। गोकुल में इस तरह की बधाइयां बज रही हैं, नगाड़े बज रहे हैं, नाच गान उड़ रहे हैं, प्रभुत प्रभुत दान दिया जा रहा है। इस खुशी का, इस प्रसन्नता का कोलाहल चारों तरफ दूर दूर तक सुनाई पड़ रहा है। अपने महल की छत पर बृषवान बाबा चढ़े। गोकुल के पास ही रावल गांव है, जहां 11.5 महीने पहले राधा जी का प्राकट्य हो चुका है। राधा जी के पिताजी बृषवान बाबा जब चढ़े ऊपर, तो उन्होंने चिल्ला करके कहा, लाला हो देखो तो, आज गोकुल में बड़े आनंद मनाए जा रहे हैं, बड़ी खुशियों के साथ गीत और गाने गाए जा रहे हैं, नाच गान उड़ाए जा रहे हैं, क्या बात है। दौड़ करके एक युवक आया, बाबा आप नीचे आ जाओ, जल्दी नीचे आओ, सुनो मैं गोकुल से ही आया हूं। नंद बाबा के लाला भयो है लाला, काकई नंद बाबा के लाला भाई हो? हाँ। बड़े आनंद के साथ उछल कूद करते हुए बृषवान बाबा कीरत मैया के पास पहुंचे। भगवान सुन नहीं रही हो, तुम्हारी जो सहेली है ना यशोदा जी, उसको लाला पैदा हुआ है। उछल पड़ी माँ, माँ कीरत मैया चल, अच्छा तो हम चलते हैं, बधाई देने के लिए चलते हैं। फिर तो आदेश हो गया है, समस्त वाहनों को सजा दिया गया है और समस्त रावल वासी बृषवान बाबा और कीरत मैया को आगे करके
गोकुल की तरफ चल दिए। चलते जा रहे हैं आनंद के साथ, गीत गाते जा रहे हैं, पहुंचाते हैं। जैसे ही यशोदा मैया ने सुना कि मेरी सहेली कीरति आ रही है, तो बड़े ही चाव से उठ बैठी, अपने पलंग पर बैठ गई और अपने लाला को गोदी में समा लिया और रोहिणी से बोली, बहन रोहिणी देख, बहुत घर बड़े घराने की बेटी है, जाकर के अच्छे सम्मान के साथ मेरे साथ ले वाला। रोहिणी दरवाजे पे आई, कीरत मैया इधर से प्रविष्ट हुई, रोहिणी लिवा करके यशोदा मैया के पास ले गई। वृषभान बाबा नंद बाबा के पास चले गए। यशोदा मैया के पलंग के सामने एक सुंदर पीड़ा पड़ा हुआ है। रोहिणी जी ने इशारा किया, कीरत मैया अपनी गोद में 11 महीने की बच्ची श्री राधा जी को लेकर के पलंग के सामने पड़े हुए पीड़ा पर बैठ गई। अपने पलंग पर गोदी में लेकर के यशोदा मैया लाला को गोदी में लेकर के अपने पलंग पर बैठी हैं और ये पीड़ा पर सामने आमने सामने बैठी हैं दोनों। इस दृश्य को हृदय में उतारी है। बड़ी खुशी की बात है बहन, तुमको लाला रत्न मिला है और मुझे 11.5 महीने पहले लाली अर्थात मेरे लड़की हुई है और तुम्हें लड़का हुआ है। तुम्हें याद है हम जब यमुना स्नान करने के लिए जाते थे तो मैं उधर से आती थी, तुम इधर से जाती थी, तो एक ही घाट पर स्नान करते थे। उस समय क्या कहते थे? यशोदा मैया बड़े प्रेम से सुन रही है। कीरत मैया बोले कि हमने तय किया था कि अगर तुम्हारे लाला हो जाए और मेरे लाली हो जाए तो हमें अन्यत्र भटकने की जरूरत नहीं है, हम दोनों आपस में अपने बेटी बेटा का विवाह कर लेंगे। ध्यान है कि नहीं है? यशोदा मैया तो बड़ी प्रसन्न हुई, बहुत प्रसन्न हुई कि एक बहुत बड़े घराने की बेटी से शादी होगी और अभी बालक पैदा ही हुआ है कि शादी की बात चलने लगी और अपने लाला की सगाई, अपने लाला की शादी, अपने लाला का विवाह हो तो माँ को उस समय बड़ी प्रसन्नता होती है। बोले हाँ मुझे याद क्यों नहीं है? बोले फिर मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि तुम बड़े घराने की हो, मेरा और तुम्हारा थोड़ा सा मेल कम है। बोले नहीं सुनो, लेकिन मुझे शक है कि तुम मेरी लाली की सगाई नहीं लोगी। बोले क्या बात हुई? अब आंखों में आंसू भर करके कीरत मैया बोली, बहन मैं सत्य बता रही हूं, जिस दिन से ये पैदा हुई है उस दिन से आज तक इसने अपनी आंखें नहीं खोली हैं, सो बहन तू आंधरी धुंधरी मेरी बेटी की सगाई क्यों लेगी? यशोदा जी एकदम चौंक पड़ी, कहा कि आंधरी धुंधरी, तुम्हारी लाली अंधी है? मैं देखूं तो? और इस तरह देखने के लिए जैसे ही कुछ टेढ़ी हुई हैं यशोदा मैया और स्तनपान करता हुआ बालक बाल श्री कृष्ण भी हाथ के सहारे से उनका सिर ऊपर उठा है, तो भगवान श्री कृष्ण भी पैरों के पंजों से उचक कर कमर से टेढ़े होकर के मुख में स्तन लगा हुआ है और राधा जी की तरफ मुंह टेढ़ा करके अर्थात तीन जगह से टेढ़े होकर के छोटे से बाल है कृष्ण। जैसे ही यशोदा मैया ने कहा बहन दिखाइयो मैं तेरी बेटी को देखना चाहूं, तो जैसे ही देखने का उपक्रम किया है यशोदा मैया ने तो इस लाला ने भी तीन जगह से टेढ़े होकर के लाली को देखने का उपक्रम किया है। ये भी देख रहे हैं तिरछी नजर से धीरे धीरे। इधर से कीरत मैया ने अपनी बेटी को सामने करके कहा ले बहन देख मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। जैसे ही लाला ने इधर से देखा और कीरत मैया ने अपनी बेटी को कहा कि ले बहन देख मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, इधर से राधा जी और इधर से कृष्ण एक दूसरे की तरफ देखे, श्री राधा जी ने अपनी आंखें खोल दी।
और बड़ी कमल के समान सुंदर सुंदर कजरारे मोटे मोटे नेत्रों को प्रथम बाल खोल करके और आज उन्होंने अपने मनोरथ को पूर्ण करने वाले प्राण वल्लभ बालक श्री कृष्ण के दर्शन किए। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। जैसे ही देखा इतने सुंदर नेत्र, जसोदा जी बोल पड़े, बहन अगर तुम्हें सगाई नहीं करनी, विवाह नहीं करना है तो मत झूठ काहे को बोलो, देखो तो सही कितने सुंदर नेत्र, कितने मोटे मोटे सुंदर कजरारे तुम्हारी लाली के नेत्र हैं। चौक पड़ी कीरत मैया ने देखा, बड़ी प्रसन्न हुई, बहन मैं तेरे चरणों की सौगंध खा करके कह रही हूं, इसने तो नेत्र आज ही खोले हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़े प्रसन्न हुए, बड़ा स्वागत हुआ, बड़ा सम्मान हुआ, समस्त ब्रजवासियों को बड़े सम्मान पूर्वक विदा किया गया और कीरत मैया भी अपने नगर को चली गई। नंद बाबा को याद आया कि आज तो राजा कंस का कर देना है, यहां खुशियां मनाई जा रही हैं। नंद बाबा कर देने के लिए मथुरा पहुंचे हैं, गोकुल से मथुरा कर दिया है। और जैसे ही कंस ने सुना और कहा, नंद जी मैंने सुना है तुम्हारे घर बालक का जन्म हुआ है। हाँ राजन, आपकी कृपा से बुढ़ापे में मेरी वंश बेलहरी हो गई, बहुत सुंदर, मैं बहुत प्रसन्न हूं। नंद बाबा तुम बड़े सौम्य हो, तुम हमारे बड़े ही हितैषी हो। सुनो मैं आशीर्वाद देता हूं तुम्हारे बेटे के लिए कि तुम्हारा पुत्र यशस्वी हो, दीर्घायु हो और अपने शत्रुओं का नाश करने वाला हो। कुछ देर बातचीत करने के बाद नंद बाबा चल पड़े, उनको स्मृति आई और वसुदेव जी से मिलने के लिए चले गए। वसुदेव जी ने कहा कि तुम्हारे घर लाला का जन्म हुआ है। वसुदेव जी को न तो कष्ट है और ना ही प्रसन्नता है, प्रसन्नता भी नहीं है, कूटस्थ भाव में, सहज भाव में, उदासीन भाव में बोले, नंद जी ये दोनों मित्र हैं, नंद जी अब आप चले जाइए क्योंकि ब्रज में आजकल उत्पात बहुत हो रहे हैं, अतः तुम शीघ्र जा करके और अपने घर लौट जाओ और बच्चे की परवरिश सावधानी के साथ, देखरेख बड़ी सावधानी के साथ करते रहना, जाओ मेरा आशीर्वाद है बच्चे के लिए। जैसे ही इन्होंने कहा तो नंद बाबा को शंका हो गई क्योंकि वो जानते हैं कि वसुदेव जी के मुंह से अन्यथा बात तो निकलती नहीं है। आशंकित हृदय से चले आए हैं और आकर के गोकुल की तरफ प्रस्थान करते हुए चल रहे हैं। इधर में कंस की मोहबोली बहन पूतना 10 दिन के अंदर पैदा हुए बालकों को खोज खोज करके उनका प्राणांत करती हुई फिर रही है। इसी क्रम में ये गोकुल में आ गई और यशोदा मैया के महल में प्रविष्ट हो गई, लेकिन इसका वेश बड़ा सुंदर है, सुंदर राजकुमारी, नवयौवना राजकुमारी का सा वेश बना करके, सुंदर रेशमी वस्त्र धारण करके जैसे ही ये महल में प्रविष्ट हुई, यशोदा मैया की गोदी में बालकृष्ण लाल हैं, पास में रोहिणी बैठी हुई हैं। जैसे ही इन्होंने देखा तो कहा आओ बहन, लेकिन बहन क्षमा करना मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। बहन हम और तुम दोनों मामा फूफी की हैं, कभी मिलन नहीं हुआ, तुम्हारी मेरे विवाह के समय तुम्हारे गोने की बात थी, अतः तुम अपने यहां रही मैं अपने यहां रही, आज तुम मिलान नहीं हो पाया, तो मैंने सुना कि आपको बालक पैदा हुआ है तो मैंने कहा मैं भी बधाई देने चलूं, इसी क्रम में मैं चली आई हूं। यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हुई, कहा कि ले बहन ये बालक है, और उनकी गोदी में देकर के अंदर चली गई। रोहिणी मैया भी अंदर चली गई। पूतनाथ ने तो इस बालक को मारने के लिए उपक्रम रचा था कि अपने स्तनों पर विशाल भयंकर कालकूट जहर को सान लिया था, अर्थात अपने स्तनों से लपेट लिया था,
कि मैं उसको स्तनपान कराने का कराने के बहाने से स्तन उसके मुंह में दूंगी, और जैसे ही मुंह में जाएगा स्तन उसके प्राण पखेरे उड़ जाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो महाराज यशोदा मैया ने बाल कृष्ण लाल को जैसे ही पूतना की गोदी में समर्पित किया है, भगवान ने बाल कृष्ण लाल ने अपने नेत्र बंद कर लिए। संतजनों ने इसमें बड़ी बड़ी लीलाओं के दर्शन किए कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए। संतजन बोले कि मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है कि भगवान ने अपने पूर्व अवतार रामावतार का स्मरण किया और कहा कि उस सोचा कि उस अवतार में भी मैंने जो लीला प्रारंभ की थी वो ताड़का वध से शुरू की थी, और इस अवतार में भी मुझे लीला शुरू करनी पड़ रही है तो स्त्री वध अर्थात पूतना वध से ही प्रारंभ करनी पड़ रही है, और मैं स्त्री का वध करना नहीं चाहता। और ये आशंका मैंने उस समय भी अपने गुरु विश्वामित्र जी के सामने कही थी, तो विश्वामित्र जी ने मुझे जो आदेश दिया था उस गुरु वाक्य का स्मरण कर लूं। ताड़का जैसे ही आई हुई दुष्टा ताड़का को देख करके विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये दुष्टा है इसका वध करो। भगवान सहम गए, विश्वामित्र जी समझ गए और बोले स्त्री वध का पाप तुम्हें नहीं लगेगा, क्यों? अस्यास्तु वधनात् राम जना सर्वे निराकुला भवन्ति सततम् तस्मात् अस्याः पुण्यप्रदो वध। ये आततायिनी है, ये दुष्टा है, इससे सभी लोग परेशान हैं, अतः इसके वध से पाप नहीं लगेगा बल्कि तुम्हारा पुण्य होगा, अतः राम इसको मारने से पुण्य होगा, और दूसरे मैं तुम्हारा गुरुवत हूं, गुरु हूं, आज्ञा दे रहा हूं इसका वध कर दो। तो पूतना जब आई तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूर्व अवतार में जो आदेश गुरु से मिला था उस गुरु के उस आदेश का स्मरण कर रहे हैं, अतः नेत्र बंद कर लिए। दूसरे संत बोले बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि भगवान इस दुष्टा का मुंह देखना नहीं चाहते, क्यों? कि सूर्य और चंद्रमा दोनों महावैष्णव हैं और ये सूर्य और चंद्रमा दोनों ही भगवान के नेत्र हैं, अतः वैष्णवों ने यह सोचा कि हम भगवान को मारने आइए दुष्टा को देखना नहीं चाहते हैं, अतः वो अपने आप बंद हो गए। तीसरे संत बोले भगवान हमें ऐसा लगता है कि भगवान शंकर जी का स्मरण कर रहे हैं नेत्र बंद करके। भगवान ने शंकर जी का स्मरण किया, शंकर जी ने कहा गोविंद क्या आज्ञा है? भगवान बोले हे भोले बाबा ये तो विष लपेट करके लाई है और मुझे पिलाएगी, और विष को पचाने की सामर्थ्य तो केवल और केवल आप में है, अतः आप आइए और इस विष का पान करिए। भगवान शिव प्रकट हुए और कहा कि गोविंद चिंता मत करो, जहर मैं पीऊंगा और दूध आप पीना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए। दूसरे भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि भगवान सोच रहे हैं, सन्मुख हो जीव मोहि जवई, सन्मुख हो जीव मोहि जन्म कोटि अघ माखन तब।
भगवान ने सोचा कि जीव मुझको लक्ष्य करके जब घर से निकल पड़ता है, अर्थात मेरे आमने सामने होता है, मेरे सम्मुख होता है, तो कोट कोट जन्मों के पाप तत्काल जल करके भस्म हो जाते हैं। ये मेरे सामने चल करके आई है, मुझको गोदी में धारण कर रही है, भले ही बुरी नीयत से आई है, लेकिन इसने ऐसा कौन सा महापुण्य किया, ये कौन है आखिर? तो भगवान ने इसके प्रारब्ध में जाकर के देखा, झांक करके देखा, तो मालूम पड़ा, अरे ये पूतना तो महाराज बलि की बेटी रत्नमाला है। जब भगवान वामन का रूप धारण करके गए थे, बड़े सुंदर सामने सलोने स्वरूप बालक को देख करके रत्नमाला ने मन में विचार किया, गोविंद तेरी बड़ी कृपा हो अगर ऐसा बालक मेरी गोदी में खेले, और मैंने तथास्तु कह दिया था, और जब मैंने विशाल रूप धारण करके स्वर्ग और पृथ्वी को नाप लिया तो इसको बुरा लगा। इसने कहा कि अगर मेरे वश की बात होती तो इसको जहर दे देती, इसको मार डालती। मैंने तथास्तु कह दिया तो भगवान ने कहा कि आज तथास्तु कहने वाला वो है वाक्य आज पूरा हो रहा है, आज मैं इसके स्तनों का पान करूंगा और इसकी गोदी में भी खेलूंगा, इसका जहर भी पीऊंगा और उसकी गोदी में भी खेलूंगा। तो भगवान ने देखा, अरे ये तो रत्नमाला है, और माँ यशोदा तो अंदर चली गई हैं। इसने पूतना ने जैसे ही बालक को गोदी में लिया और अपना स्तन बालक को पिलाने लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने, छोटे से बाल श्री कृष्ण लाल ने स्तन पकड़ लिए हैं और पान करने लगे हैं, और जैसे ही ये दूध पी रहे हैं पूतना को ऐसा लगा कि जैसे ये दूध नहीं बल्कि मेरे हृदय को ही निकाल करके पी जाना चाहता है यह बालक। अतः पूतना चिल्लाई और अपने राजकुमारी वाले वेश को त्याग करके अपने असली रूप में राक्षसी के रूप में आ गई। विशाल काय, लंबे लंबे दांत, लंबी लंबी चारों तरफ गिरती हुई लटाएं जटाएं जो देखी है। बालकृष्ण ने इनके स्तनों को कसके पकड़ लिया, अब ये अपने प्राण बचाने के लिए उनको हटा देना चाहती है, गोदी से गिरा देना चाहती है, और कहा कि मुंच मुंच मुझे छोड़ मुझे छोड़। भगवान मुस्करा करके बोले, अरे पूतना जिसको मैं एक बार पकड़ लेता हूं उसको छोड़ता नहीं,